लोकसभा चुनावों में पहली बार वोट कर रहे युवाओं का खासा उत्साह है और युवा चाहते हैं कि अपने मत का सही प्रयोग करें। युवाओं का कहना है कि वे ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो कि हल्के का विकास करवाएं। सब जो सबकी सुने और सबके हितों में काम करे और अपना ना सोचे, दूसरे की भलाई के लिए ज्यादा सोचे। हम चाहते हैं कि हमारा नेता सबके लिए बराबर काम करे और किसी के लिए किसी का गलत ना, तो अपना फायदा देखे, दूसरे का फायदा देखते पहले, है ना। हमारे नेता जैसे मोदी हैं, मोदी ने अच्छा काम किया देश के लिए, और ऐसे नेता हमें चाहिए जो अपने से पहले पब्लिक का सोचे, ना कि आम जनता का सोचे, ना कि अपने बारे में सोचे। चाहे वो मोदी जैसा होने चाहिए, क्योंकि उसने हमारे मतलब खुद की नहीं सोच के पहले हमारे लिए सोचा है, आम पब्लिक के लिए सोचा है, हमारे लिए सोचे, ना कि खुद के लिए सोचे। वही चाहिए हमें तो। उम्मीदवार चुनेंगे जो ईमानदार हो, निष्ठावान हो और हमारी समस्याओं का जो निवारण करने वाला हो, यूथ के बारे में सोचने वाला हो। पहली बार वोट बना तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और हम ये चाहते हैं कि जो मतलब जो हम उम्मीदवार को चुने वो बिल्कुल कर्मठ हो, जनता के बीच में रहे, जनता की जो जो परेशानी है उनको समझे और मतलब उनका निवारण करे। हमें ऐसे उम्मीदवार की आवश्यकता है जिससे देश तरक्की करे, हमारे हिमाचल तरक्की करे। जी सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि नेता वो जो अपनी पब्लिक पे पूरा फोकस रखे, वो अपनी पब्लिक को उनकी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करे, उन पर एक्शन ले और महिला सुरक्षा महिला के लिए हमेशा आगे रहे। कि आजकल तो मतलब बहुत ज़्यादा महिलाओं पे अपहरण हो रहे हैं, कहीं किडनैपिंग का, उसके अलावा रेपिंग का कई कुछ सुनने को आ रहा है। तो पूरी अपनी महिलाओं पे भी फोकस रखे, बाकी उनकी सुरक्षा बनी रहे हमेशा और उन्हें कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। उसके अलावा स्टडी को लेके भी, कि गरीब बच्चे होते हैं तो उन पे भी फोकस किया जाए, थोड़ी उनकी स्टडी पे भी फोकस किया जाए, उनको प्रॉपर फाइनेंशली हेल्प की जाए उनकी, ताकि वो अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सके और प्रॉपरली अपनी स्टडी को बरकरार रखे। उसके अलावा 5 साल तक वोटिंग मतलब जब वोटिंग होती है तो नेता दिखते हैं हर जगह, पब्लिक प्लेसेस पे वोटिंग करते टाइम दिखते हैं। उसके अलावा वो अपील भी करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जब उनका पूरा चुनाव खत्म हो जाता है और जो अपनी सीट उनको मिल जाती है, उसके बाद वो पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं अपनी जनता को लेके। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ वो जनता पे पूरा फोकस करे और उनसे मतलब अच्छे से पेश आए, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझे, ताकि मतलब आगे को उनकी फिर से अगली बार जो भी चुनाव हो उनमें हम उनको फिर से चुन सकें।